नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। देशव्यापी कोरोना संक्रमितों की बढ़ती जा रही चिंता ने फिर एक बार की लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वैसे भारत में इससे जंग भी चल रही है। खबरों के मुताबिक देश में एक दिन आंकड़े का रिकॉर्ड सामने आया है। 80,000 से अधिक कोरोना संक्रमितों की संख्या निंदनीय है। 80,000 से अधिक कोरोना संक्रमितों की संख्या चिंतनीय है। इधर पटना में भी बीते रविवार को 285 कोरोना मरीज सामने आए हैं। पटना गया डोभी फोरलेन सड़क के लिए अब उम्मीद जताई जा सकती है। ऐसा इसलिए कि 185 किलोमीटर लंबे इस हाईवे के लिए अब एजेंसी को भार दे दिया गया है, जिसे 2 साल का समय भी दिया गया है। लोगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। पेट्रोल के दाम में फिर 11 पैसे की वृद्धि हुई है। बीते 15 दिनों में 12 दफा पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। निर्वाचन आयोग की नज़र सभी दलों के नेताओं के खर्चे पर भी हो, इसलिए सभी डीएम को इस बाबत सचेत रहने को कहा गया है। जिलाधिकारी अपने स्तर पर विमान कंपनियों से दर लेंगे, ताकि नेताओं के हवाई चुनावी खर्चे पर नजर रखी जा सके। पटना महुली सड़क के लिए एजेंसी के चयनित हो जाने के बाद अब काम में तेजी आने की संभावना बढ़ गई है। 15 सितंबर तक काम आवंटित होने की बात कही गई है। यह मार्ग एलिवेटेड भी होना चाहिए। पटना के गांधी घाट पर अभी भी गंगा नदी खतरे के निशान से 14 सेंटीमीटर ऊपर बहने की खबर है। वैसे सभी नदियों के जलस्तर में कमी आने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संभावित वर्चुअल रैली को लेकर सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत झोंक दी है। जदयू के मधुबनी जिला उपाध्यक्ष अजय नारायण चौधरी ने हमारे संवाददाता को बताया कि सीएम की इस रैली को यादगार बनाने के लिए सभी में उत्साह का माहौल है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए सभी व्यवस्था की जा रही है। भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक रूप से देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाए गए कदम की सभी स्तरों पर सराहना की। उनका मानना है कि पूरी तरह स्वदेशी जागरण से ही देश का उत्थान संभव होता दिख रहा है। पटना स्थित मशहूर महावीर मंदिर से जुड़े पुजारियों का कहना है कि नव वाहनों का विधिवत पूजन मंदिर के पुजारियों द्वारा शुरू हो गया है। विदित हो कि खरीदे गए नए वाहन की मंगल कामना के साथ महावीर मंदिर में पूजा की जाती है। मास्क और सैनिटाइजेशन के महत्वपूर्ण योगदान को बनाए रखने के लिए शासन और प्रशासन की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सामान्य नागरिकों को भी जागरूकता अभियान से जुड़ना होगा, ताकि कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी हो सके। ये बातें ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश कांत झा भाई जी ने एक खास मुलाकात के दौरान कही। पंडित झा ने सरकार की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना इफेक्ट को कम करने वाले सभी जागरूक पक्षों पर साकांक्ष रहने की जरूरत है। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज़।